It seems the crisis in the Aam Aadmi Party has blown over. Yesterday, one of the MLAs, Vinod Binny, was said to be upset on not getting a cabinet berth. And late last night, we saw senior leaders of the Aam Aadmi Party going to his house, after which they emerged and said that it was the media that had created or projected this crisis. But let's just take a look at what Vinod Binny had to tell the media this morning. ये अचानक निकलने वाली कोई खबर थी नहीं. मैं अरविंद भाई से मिलने गया था और मैं निकल के वापस नीचे आ रहा था, तो मीडिया के लोग कोई प्रयास कर रहे थे बाइक लेने का. तो उसमें था क्या कि हमारे यहाँ पार्टी में कुछ लोग ऑथराइज किए जाते हैं कि कौन कौन बाइक देगा. उसमें मेरा नाम नहीं है, मैं बाइक नहीं देता हूँ. तो मैं उसको बसते बसते बाहर निकल रहा था, तो लोगों ने मुझे पूछा कि कुछ बोलिए अपने बोलने का. मैंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा. बिन्नी जी, शाम से आपसे नाराजगी की खबर चल रही है, होगा कल 4 बजे कुछ. किस से कहा मैंने? किसी से कुछ नहीं कहा. नाराज है पार्टी से? नहीं, मैं कोई. बिन्नी जी, शाम से आपके नाराजगी की खबर चल रही थी, लेकिन ना तो आपकी तरफ से कोई डिनायल आया, पार्टी भी उस पर चुप थी. क्या पार्टी में कोई अंदरूनी बात थी जिसको आप पार्टी दबा रही है? देखो, मैं बता दूं, मैं लगभग 6 बजे के आसपास की बात है, 6:15, 6:30 मेरे ख्याल, नहीं 7:45 बजे, 7:15 के आसपास की बात है. मैं वहां से निकला, मुझे एक रिसेप्शन में जाना था, मैं वहां चला गया. और मीडिया के लगातार फोन आ रहे थे, तो मैंने इसलिए फोन बंद कर दिया क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था. और मैं लगभग 12 बजे यहां पहुंचा हूं, तो संजय भाई और मैं कुमार भाई दोनों आए हुए थे, क्योंकि उनको वैसे ही आना था, क्योंकि डिनर पे हमारी बात हुई थी 2-3 दिन पहले उनसे, मैं डिनर पे आना चाह रहे हैं. तो मैंने कहा आप आ जाइएगा 12 बजे का. तो वो आए, 1.5 घंटे 2 घंटे हमारी बात हुई, और उसके बाद मैंने सब लोगों को बाइट दी है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आप बोल रहे कोई रिफ्ट नहीं है, आप बोल रहे कहीं कभी भी कोई मन मुटाव नहीं है? कहीं बिल्कुल कोई. अरविंद केजरीवाल भी ये बार बार कहते रहे हैं कि आपको दो बार पार्षद बाइट दी हो, या कहीं आपको किसी एक लाइन से मेरी लगाओ मैं नाराज हूँ. आपको मंत्रालय दिया गया है जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, आप तो 2 बार के पार्षद रहे हैं. ये देखो, मुझे लगता है कि ये अरविंद भाई का अधिकार है, वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री के पैनल में कौन कौन लोग हैं, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हैं, उनका अधिकार है. और उन्होंने जिसको उचित समझा उसको रखा है. अगर आपको कोई पोस्ट बता दूं कि मुझे बाद में जानकारी मिली कि टेलीविजन पे जैसे ही सूचना लोगों को जानी शुरू हुई, तो कार्यकर्ता थोड़ा भावुक होते हैं, कहीं पर्सनल अटैचमेंट होता है, हो सकता है किसी ने किसी भाव में कुछ स्टेटमेंट हुई है. आपको संसदीय सचिव? ना, कहीं कोई डील नहीं हुई है. और संसद सदी मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि भाई कोई ऐसी चीज है. और मुझे लगता है कि कोई ऐसी डील, तो रूटीन में आना ही था. और मेरे ख्याल से कल पहली बार मीडिया थी तो उनको नजर आया. और मेरे ख्याल से संजय भाई तो कम से कम, और कुमार भाई और सब लोग तो कम से कम 50 बार यहाँ आए होंगे. सर मैं हमेशा, तो हमारी तो मीटिंग 3-3 बजे तक चली है, 4-4 बजे तक रूटीन में चलती है. आपको मैं अपना नंबर देकर जाइएगा, कहीं मीटिंग चलेगी तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा. देखो, अपने को ना कोई पोस्ट चाहिए, ना कोई पार्टी में ऐसा कोई डिमांड है कि मुझे ये काम दे दो. पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जहां उचित समझेगी, हमें कहां जहां काम के लिए बोलेगी वहां. कहा जा रहा है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट में जीता था, तो मैंने, मुझे लगा संदीप दीक्षित अच्छे एक अच्छा इंसान है, तो मैंने उसे चुनाव में उसकी मदद की थी. आप उसे कांग्रेस बैकग्राउंड मान लो या कुछ भी मान लो, वजह मानी जा रही है कि आपका पत्ता जो कटा है उसकी बड़ी वजह ये भी है. सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो बहुत बता रहे हैं आपको, अगर आपको जानकारी मिले तो मुझे ही बताइएगा पूछ के. आगे भी क्या कार्यक्रम है पार्टी का? अगर कांग्रेस, अगर कांग्रेस के लोगों के कहने से या कांग्रेस होने का कारण होने से, तो अगर ऐसे पत्ता कटता है तो मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक बात है इस पार्टी के लिए भी, और हम सब लोगों के लिए भी, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि इस देश में 2 ही पार्टियां थी, अब नई पार्टी जन्म ली है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग. ऑलराइट, सो विनोद बिन्नी देयर प्लेइंग डाउन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड एज अ क्राइसिस इन द आम आदमी पार्टी ओवर हिम नॉट गेटिंग अ मिनिस्टीरियल बर्थ. ही सेज देयर वाज नो सच इश्यू एंड ही लेफ्ट द मीटिंग एज ही हैड अदर एनदर प्लेस टू बी टू गो टू.